जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग लखनऊ आज रात को निकलने वाले थे, तो हम लोग का टाइम हो गया है निकलने के लिए। देखिए मेरी तैयारी हो गई है, सामान यहीं रखा है, और पीछे देखिए रात हो गई है, तो हम निकलेंगे यहाँ से। अभी मैं विक्की के घर जाऊंगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग विक्की के घर चलते हैं। मैंने पीठ पे बैग ले लिया है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से, निकलेंगे धीरे धीरे, रात हो गई है बहुत। वो निकले, रात हो गई है, रात रात रात। तो मैं आ गया हूँ विक्की के घर, तो विक्की भी तैयार है, चले विक्की। तो दोनों भाई तैयार हो गए हैं। देखो विक्की भी पीठ पे ले लिया अपने सामान, राधा भाई मैं भी तो लिया ही हूँ। तो चलो हम लोग और निकलते हैं स्टेशन के लिए। रात के 10 बजने वाले हैं और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी हम लोग के लिए कुछ लेट है गाड़ी, तो हम लोग निकलते हैं अभी और ओके ठीक मिलते है। हैं डायरेक्ट स्टेशन पे। ओ निकल रहे हैं काफी ज्यादा भाई ठंडी है और रात में हम लोग निकले हैं करीब 10 बजे। और भाई देखो कहाँ चलते हैं रास्ते में, थोड़ा वीडियो रास्ते में डाल देंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो हम लोग अब फाइनली गांव से बाहर आ चुके हैं, तो कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा वो लाइट जो जल रही है वही स्टेशन है हम लोग के यहाँ का। तो ये रात का दुर्गावती स्टेशन का सीन है, ये थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्मी, गर्मी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा वजन लेके चल रहे हैं ना, इसलिए। क्या भाई सही बोल रहे हो ना? हम लोग का स्टेशन का कुछ इस तरह का लुक है और देख सकते हो वहाँ पे भी चलते हैं, क्योंकि हम लोग ने एक ब्लॉग डाला था सासाराम का, जो दुर्गावती से सासाराम का जो सफ़र था। सो अभी जो होने वाला है वो दुर्गावती से लेके फिर लखनऊ, ऐसे ही आप लोग को मतलब सब कुछ दिखाएंगे। अभी चलते हैं आगे, टिकट उकट कटाना है भाई, ये तो ज़रूरी है कटाना, तो आगे चलते हैं। कचे तो भाई तो पीछे क्या लग रहा है ये टोपा सा ये टिकट करें। पंडित दीनदयाल टिकट मिलने में थोड़ी सी देर है क्योंकि अभी यहाँ से खुला नहीं है, तो अभी करना पड़ेगा उनको टिकट लिए, तो अंधेरा तो है चार तरफ, तो थोड़ा मोड़ा इधर का भी दिखा देते हैं हम आप लोगों को, इस साइड दिखता है ठीक है, तो मगर थोड़ा मोड़ा आपको स्टेशन के अगल बगल भी दिखा देते कि हम लोग के स्टेशन के अगल बगल है क्या, ठीक है? तो विक्की इधर थोड़ा दिखा दो, ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं इधर हम लोग का छोटा सा एक मार्केट है दुर्गावती स्टेशन का, ठीक है? तो ये हम लोग का गाँव का ही है पूरा, मतलब ये इलाका हम लोग का पूरा गाँव का ही है, तो हम लोग 1 किलोमीटर के अंदर में रहता है, ठीक है? इसी तरह आपको छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करा के और जो जो हम लोग को बढ़िया लगेगा इस वीडियो के अंदर आप लोग को हर चीज़ दिखा के और फुल एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को
ब्लॉग इतना मस्त लगे कि आप लोग हमको दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करे बिना नहीं रुके, ठीक है? तो ओके, तो अब धीरे धीरे ट्रेन आएगी तब इसके बाद ये वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग जर्नी के लिए तैयार है, तैयार हो चुके हैं। ये रहा बैकपैक, ट्रेन अब से करीब 20 मिनट बाद ट्रेन आ जाएगी, ठीक है? आने वाली उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है? हो गई कि हम लोग की ट्रेन अब आने वाली है कुछ देर में, तो यहाँ से तो अब हम लोग का सफ़र चालू होने वाला है। क्या भाई, चलोगे ना? तो अभी बस अनाउंस हो चुका है और गाड़ी करीब बस थोड़ी पीछे होगी क्योंकि आ रही है, जब बोला जाता है तो कुछ ज़्यादा दूर पर नहीं रहती है, आएगी और आते समय भी आप लोगों को वीडियो बनाएंगे। और ट्रेन की सीट भाई खाली है क्योंकि पीछे वाले, सबसे पीछे वाले बोगी में मामा जी आ रहे हैं और वहाँ से हम लोग साथ में हो जाएंगे, तो चार लोग हो जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है? तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, ट्रेन आ चुकी है, फाइनली वहाँ पर दिख रही होगी आप लोग को, येलो कलर का जो लाइट जल रहा है वो ट्रेन आ रही है। तो अभी हम लोग बैकपैक सब ले लेते हैं क्योंकि भाई अभी चढ़ना है ट्रेन में, तो जल्दी से बैक, तो यहीं पर वीडियो को थोड़ा रोक देते हैं, बैग ले ले फटाफट। विकी ये ले लो, विकी। तो ट्रेन आ गई है, ट्रेन हम लोग के पास आ गई है, मामा हम लोग के बहुत पीछे हैं, ठीक है? पूरी ट्रेन आप देख लें खाली है, मामा हम लोग के सबसे पीछे हैं, चलते हैं हम लोग, आने दीजिए आने दीजिए, ट्रेन जितनी पास आएगी उतनी ठीक है, ठीक है? हम लोग थोड़ा आगे ही बढ़ जाते हैं, इसमें किसी में बोगी में भी चढ़ने पर हम लोग मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ट्रेन तो आ गई, आप बहुत खाली है गाइस, ट्रेन बहुत ही ज्यादा खाली है, ठीक है? तो हम लोग पहले चढ़ लेते हैं फिर इसके बाद वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है? चलो हम लोग पहले आगे थे तो भाई बीच में इंजन फट जाने के कारण हम लोग आ नहीं पाए, तो अभी हम लोग उतर के करमनासा स्टेशन से और फिर अभी हम लोग आ गए पीछे और वहाँ पे मामा जी मामा जी बैठे हैं और यहाँ पे मौसी जी बैठी हैं, ठीक है? ये है कुछ कर। मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी दिखाओ क्या कर रहे हैं। टाइम पास गेम। अरे मौसी जी तो साफ एकदम सिंपल बैठी हुई है, ज्यादा लंबा बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। और जैसे आप देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया खाली है, ठीक है? क्या है, रात के समय में ज़्यादा कोई करता नहीं है सफर लंबा, तो हम लोग शायद नेक्स्ट स्टॉप कब है यहाँ से आएगा कन्नी से, वहीं से उतर के एक दूसरी ट्रेन पकड़ के हम लोग बनारस जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा चलो आप लोग को दिखाते हैं खाली ट्रेन और आदमी क्या कैसे सोए हैं, कैसे लोग हैं। सब लोग सोए पड़े हैं भाई साहब, तो हम लोग की गाड़ी फाइनली आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो बस, अरे यार ये बीच में, चलो इस साइड स्टेशन है, इस साइड उतरते हैं हम लोग, चलते हैं जल्दी से। पहुंच गए ना, ठंड लग गई है, वो उधर ठंड बहुत लग रही है। सब तरह का कॉफी, 15 रुपए की एक कॉफी है भाई, देख रहे हो 15 रुपए की एक कॉफी, छी भाई छी। यहाँ से यात्री लोग और हम जा रहे हैं पीने, और ये पीने
तो सबकी कॉफ़ी तो खत्म हो गई है और मेरी और मामी की अभी कॉफ़ी बाकी है। हम लोग की कॉफ़ी अभी बाकी है, हम लोग की तो कॉफ़ी बाकी, मामा और विक्की की खत्म हो गई कॉफ़ी पूरी फिनिश। उधर जो है वो हम लोग का है, उधर जो है वो हम लोग का ट्रेन है। अभी ये जो गाड़ी खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस है, ये दिल्ली का मतलब लास्ट दिल्ली तक है, और फिर ये मतलब इसी जगह पे हम लोग का भी ट्रेन आने वाला है। तो अभी ये जैसे ही निकलेगा कुछ ही समय बाद यहाँ पर हम लोग की ट्रेन आ जाएगी जो कि जम्मू तवी एक्सप्रेस है। तो अभी ये ट्रेन देखते हैं कब खुलती है, हम लोग की गाड़ी पीछे ही रुकी हुई है और ये जैसे ही पास करेगा वो गाड़ी तुरंत आएगा, तो आप लोग को वो गाड़ी कभी एंट्री करते हुए आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करते हुए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सी ट्रेन है मामा जी? जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस। तो जम्मू तवी माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाना हो तो ये रही मेरी ट्रेन। जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 से गुजर रही है। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। जल्दी अंदर। So फाइनली हम लोग की ट्रेन आ चुकी है और ये अभी रनिंग पे चलेगी, मजा आएगा। कसम बताया तो बहुत मजा आ रहा है, तुम लोगों को नहीं पता है भाई, इधर आके तो देखो बहुत मजा आएगा। एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से गाइस, अभी आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ जो कि बनारस एक पानी की टैंकी होगा उसके ऊपर एक बाबा का मतलब चित्र बना हुआ है, कला है, और आप लोग वो देखना कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अभी कमरे हम लोग चलते हैं, उधर टिकट मिलता है टिकट लेते हैं फटाक से सुपर फास्ट, समझे? दिखा दे बाबा चलो बस यही है टिकट था और भाई ये सस्ता ना संभाल के सोया भाई। तो हम लोग को टिकट तो मिल गया है तो फिर से हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। चल तो फाइनली इतने रात वेट करने के बाद करीब 4 से 5 घंटे बिताने के बाद हम लोग की ट्रेन आ चुकी है और ये ट्रेन का सीट भी हम लोग कन्फर्म कर लिए हैं। तो आप लोग को सीट भी दिखाते हैं, मतलब क्या दौड़ी भागी करके भाई सीट कन्फर्म किया है। चलो आपको दिखाते हैं सीट का और पैर चलो आ जाओ। देख सकते हो ये मेरा दोनों सीट है, ये मामा जी है जो अभी एवन खा रहे हैं, ये दोनों भाई का सीट है और ये हमारी मामी सो रही है, ठीक है। चलो बाहर निकलो फिर से कुछ स्टाइल। हम कोशिश करेंगे कि पूरी वीडियो बनाए, क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 5:30। घंटा में क्या कुछ 50 होगा, 50 कुछ ना लखनऊ का जो है कलर में एकदम पेड़ लगाया जाए जो है।
अली खले का कार्य प्रगति पर है। झूठा हम एक मिनट लखनऊ स्टेशन आ गई धीरे धीरे करके बनवाएंगे। काफी ज्यादा मजा आया सफर करते हुए। हालत तो खराब हो गई है, बीच में गाड़ी थोड़ी लेट कर दी, लेकिन जो भी हुआ भाई मजा आया इससे। और जब लौटेंगे तो इसी गाड़ी से हम लोग लौटेंगे, बहुत मजा आएगा, उसमें भी बुलाएंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। May I have your attention, please? Train number 13004 from अब सियालदा खत्म सही हुई ना, अब अयोध्या होते हावड़ा को जाने वाली गाड़ी संख्या 1300 कृपया मोरादाबाद।